झांसी में NH 27 पर सैमरी और एल टोल प्लाजा पर आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। झांसी उरई प्रोजेक्ट के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुल्तान अहमद ने बताया कि अब तक 500 से ज्यादा बेल्ट लगाए गए हैं। परिस्थिति है कि हमारे रोड यूजर रोड से निकलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होता है, क्योंकि जगह जगह पर अन्य जानवर बैठे रहते हैं। इन जानवरों से जिला प्रशासन परेशान है, हमारे NHAI के अधिकारी परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं कि इनको हटा करके अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुरक्षित सड़क कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है सेफ्टी बेल्ट बुलवाया है जिसमें रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं रेडियम के, ताकि रात में भी ड्राइवरों को दिख सके। आजमगढ़ के नत्थुपुर अनजान शहीद पार्क में शहीद राम समुझ यादव की 24वीं कारगिल शहीद मेला और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मैं बहुत प्रभावित हूँ, पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। लखीमपुर के भीरा थाना क्षेत्र में पंकज कुमार अपने बेटे के साथ नदी किनारे खेतों की ओर जा रहे थे। बंधे पर चलते समय पंकज का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूब गया। बेटे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने नदी में तलाश की, लेकिन पंकज का शव 2 किलोमीटर दूर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा मर्डर का खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से निशानदेही पर मृतक के ई रिक्शा की बैटरी, मृतक के कपड़े और आधार कार्ड, बैंक पासबुक बरामद की गई है। जी हाँ, SSP सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पर हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद, वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। पौड़ी में एक शराबी पुलिसकर्मी दीपक राठी ने नशे में अपनी गाड़ी पैदल मार्ग में घुसा दी, जिससे कई दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और उसकी गाड़ी भी फंस गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने दीपक राठी को सस्पेंड कर उसकी जांच शुरू कर दी है। केदारनाथ के रामबाड़ा के पास MI-17 हेलीकॉप्टर खराब हो जाने के कारण अचानक डिसबैलेंस होकर गिर गया। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गोचर हेलीपैड पर जा रहा था। दुर्घटना में किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। पहले भी क्रिस्टल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में खराब हुआ था। भदोही के थाना सूर्या यावा क्षेत्र में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। भदोही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियायाव में स्वास्थ्य कर्मचारियों का शराब पीते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से हड़कंप मच गया। वीडियो में फार्मासिस्ट, चौकीदार, स्वीपर और एक बाहरी व्यक्ति शराब का सेवन करते दिख रहे हैं। स्तर से DM साहब को संज्ञान में लाते हुए DMO और डॉक्टर अजीत पाठक की 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये लोग वहाँ पर जाँच करने गए, फार्मासिस्ट चौकीदार के बयान लिए, उनसे पूरा अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 4-5 लड़के जो गांव के थे वो नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे ही जांच पूर्ण होगी मेरे स्तर से जो है वहां का इंचार्ज और जो दोषी होंगे और ब्लॉक का अधीक्षक भी, उनके सबके खिलाफ जैसा पता चलेगा उस हिसाब से हर हालत में कार्रवाई कल तक कर दूँगा। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के शेखपुरा जंगल में एक नाले में अज्ञात युवक का शव मिला। शव की पहचान सागर अहलावत निवासी मनोहर कॉलोनी थाना दौराला मेरठ के रूप में हुई है। युवक के पास कुछ कागजात मिले जिसमें उसकी पहचान संभव हो सकी। जांच में पता चला कि युवक पिछले 3 माह से शेखपुरा में एक किन्नर के साथ किराए पर रह रहा था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। उन्नाव के दहीशाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो ड्राइवर पर चढ़ गया।
और पलट गया। इस हादसे में एक महिला लक्ष्मी की मौत हो गई और दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया और लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्नाव में CDO प्रेम प्रकाश मीणा ने 1.6 करोड़ रुपए की लागत से बनी वृद्ध गौशाला का निरीक्षण किया और भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया। निरीक्षण में इंटरलॉकिंग की धसने, गुणवत्ता विहीन कार्य और निर्माण सामग्री के मानकों में झोलमेल पाया गया। CDO ने भवन निर्माण में उपयोग की गई सामग्री के सैंपल IIT लैब से जांच कराने के निर्देश दिए और तत्कालीन CVO समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा। मिर्जापुर में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य 1 सितंबर को दौरा करेंगे। वे माजवा विधानसभा के चंदईपुर में वृद्ध रोजगार ऋण मेला और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे।